1874 पश्चिम बंगाल बर्धमान स्वर्धा गांव में अवस्थित इस राजवास की कहानी है। राजा वीर धनुक सेठ ने शुरू किया था अपना ही राजवास की कहानी। उनकी रानी रत्नापति के साथ 1400 सैनिक के साथ वो अपना इस राजवास में अपनी कहानी शुरू की थी। अपना विशाल शौहरत के साथ इस महल में उन्होंने रहने लगे। राजा की जैसा ही उनकी शौक शौहरत सब कुछ भी थी। विशाल तालाब भी है जो इस महल को और भी खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन वो खूबसूरती माहौल खूबसूरती की ताज नहीं रहे। जब राजा धनुक सेठ ने इस जगह को छोड़कर चले गए तो कुछ गांव वालों ने जगह को कब्जा करके उनकी महल को तोड़ छोड़ के तहस नहस कर चुका है। फिलहाल अभी जो भी है इस महल की फुटेज मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। वीर धनुक साथ ने जो इस राजपाश को शुरू की थी, उन्होंने बड़ी शानदान से अपना राजपाश को बड़ी शौक से शुरू की थी। 1374 उनकी एक कहानी शुरू होती है जो इस राजपाश को लेकर। 1374 में जब ये राजपाश बना तब उन्होंने इस आसपास की पूरे गांव में उनकी राजत्व चलते रहे। अपना विशाल शौक शौहरत के साथ अपने राजपाश में रहने लगी वीर धनुक सेठ ने। रानी रत्नापति उनकी पहली वाइफ थी। दूसरी वाइफ का जो है नाम अभी इतिहास में नहीं है, तो उनकी रानी पद्मापति जो कि रत्नापति है उनकी नाम इस में बताया गया है। बहुत ही शौक शानदार थे वो वीर धनुक सेठ राजा। राजा की एक बात और भी थी, कभी गरीबों को कुछ जुलूम नहीं किया था इन्होंने। हमेशा गरीबों के साथ दिया, हमेशा गरीबों के साथ चल के वो अपना राजपाश शुरू किया था 1400 सैनिक लेकर। उनकी ये बहुत ही खूबसूरत महल बहुत ही अच्छा गठन डिजाइन के साथ बनाया गया था जो आप देख रहे हैं वीडियो में। कितनी शौक से कितनी शानदार से इस महल बनाया गया था, पर इस महल अब इतनी शानदार नहीं रहे। अफसोस की बात तो ये है कि गांव वालों ने इस शानदार महल की परवाह भी नहीं कर सके। ये महल पश्चिम बंगाल वर्धमान स्वाता में अवस्थित इस महल की कहानी है। अफसोस तो तभी होती है जब इस महल को इतनी तहस नहस होते हुए गांव वालों ने अभी तक भी इनको कोई परवाह करने के लिए नहीं आ रही है। 1374 में बना इस वीर धनुक राजा की ये शानदार महल को अगर किसी ने भी मेहमत किया होता तो आज इस महल की ऐसा हालत नहीं होती। हालत तो ये भी है कि गांव वालों ने इसको कभी परवाह नहीं की। वीर धनुक साथ सेठ ने जब चले गए इसको छोड़कर उसकी बीवी की पत्नी की मौत होने के बाद, तब इन्होंने राजपाश को यहीं से ही छोड़कर चले गए। उनका ये शानदार महल उनकी ये शानदार जगह को छोड़कर शानदार महल को छोड़कर उन्होंने चले गए अपने बीवी की मौत की शोक पर। इस छोटी सी थी वीर धनुक सेठ राजा की कहानी। जो उनकी पत्नी थी वो रत्नापति सेठ उनकी पत्नी की नाम थी। बस एक छोटी सी कहानी थी इस महल के बारे में जो कि पश्चिम बंगाल वर्धमान स्वाता में अवस्थित इस राजपाश की कहानी है।